नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई। आज मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मोना ने विधानसभा में सरकारी स्कूलों में बच्चों के ड्रेस और किताब का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ड्रेस और किताब बच्चों को समय से नहीं मिल पाती है, इसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाया है। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्य नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने दिवंगत नेताओं और देश की लोकप्रिय हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारत रत्न लता मंगेशकर को भी विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। उनको श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं ईश्वर से उनकी शांति की कामना करता हूं, उनके जीवन और शुभचिंतकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाती। विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा इस माननीय सदन की ओर से दिवंगत आत्मा की को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे सिंगर्स कभी कभी पैदा होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर इनबॉर्न टैलेंट भगवान ही देता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, सदन की तरफ से और पार्टी की तरफ से उनके जो भी सहयोगी परिवार के सदस्य हैं उन तक हमारी संवेदनाएँ पहुँचे। वहीं जो माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, माननीय सदस्यों की तरफ से उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के सदस्य तक। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर सख्त निर्देश है कि कोई भी अफसर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रखी है, लेकिन उनके नीचे बैठे अफसर सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह आरोप योगी सरकार के एक विधायक ने लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बस्ती जनपद के दो जिला स्तरीय भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अजय सिंह ने जिला पंचायती राज अधिकारी शिवशंकर सिंह और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सी के वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की और दोनों ही अफसरों की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। इसके खिलाफ मैंने आय से अधिक संपत्ति की जाँच का भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री से किया है और इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व सरकार जो चल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम होना है और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसके बाद अवैध संपत्ति, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बम्बई हो, अवैध संपत्ति का इसके पास अंबार है। नहीं, ऐसा है, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई शिकायत किया है। फिर भी ये दोनों ने, माननीय विधायक जी ने कोई शिकायत किया भी होगा तो उसकी जांच होगी। जो है, जो भी जांच में तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार। जो बुलंदशहर के पहासू में एक दलित बच्चे को पुजारी ने तालिबानी सजा देते हुए उसे पीट दिया, जबकि बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मंदिर के अंदर रखी पूजा की थाली से पैसे उठा लिए। इस पर पुजारी आग बबूला हो गया, जिसके बाद पहले तो पुजारी बच्चे को मंदिर से लेकर बाहर लाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया, इसके बाद थप्पड़ और लात मारा। वहीं इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मामला जानकारी में है, जबकि पहासू पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और जल्द ही आरोपी पुजारी को पकड़ लिया जाएगा। बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है, जहां बच्चे को पीटने का ये मामला सामने आया है कि मंदिर से तस्वीरों में देखा जा सकता है, भीड़ दिख रही है। पुजारी इस बात से आग बबूला हो गए कि बच्चे ने मंदिर में रखे पैसों को उठा लिया, पहले बच्चे को बाहर घसीट के लाया गया, बच्चे को पटक दिया और हाथ से साथ ही पैरों से मारा गया।
इसके बाद जब ये मामला संज्ञान में आया है तो काफी आक्रोश देखने को मिला लोगों में और इस बात की शिकायत भी की गई। आपको बता दें कि पुजारी ने बच्चे को तालिबानी सजा दी है, जहां कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो वहीं बुलंदशहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि इसके बिल्कुल विपरीत है, जहाँ बच्चे को पूरी तरह मारा पीटा गया है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से संवाददाता विशाल, पूरी जानकारी चाहेंगे कौन से मंदिर की ये घटना है और अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है पुलिस द्वारा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जनपद के पास थाना कस्बे माता रानी के मठ मंदिर का, जहाँ वो शाम को आरती होती थी, सभी श्रद्धालु आरती में शामिल होने लिए जाते थे। वहाँ एक गरीब दलित बेटा मंदिर आरती में शामिल होने के लिए जाता है तो मंदिर अधिकारी उसको उठा कर पीटते हैं। जी, इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस जुट गई है और कार्रवाई के आश्वासन दे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विशाल जुड़े थे बुलंदशहर से। रायबरेली के सुल्तानपुर मार्ग स्थित मलिकमऊ चौराहे पर 41 करोड़ की लागत से बना ओवर ब्रिज का उद्घाटन करीब 3 साल पहले पीएम मोदी ने किया, जो दिन पहले अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अब इस टूटे हुए ब्रिज का निरीक्षण करने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समर बहादुर सिंह अंधेरे में पहुंचे, जिनके निरीक्षण पर अब सवाल उठने लगे हैं। जी आज कहाँ किस चीज की जांच हो रही है यहाँ पे? और यहाँ पर जो ये ब्रिज पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ है। अभी हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और यह प्राइमरी फेसी यह देखने में आ रहा है कि बियरिंग के डिस्प्लेसमेंट के चलते जो ऊपर में एक्सपेंशन ज्वाइंट में गैप हुआ था या पूरा डेक स्लैब मूव किया हुआ है, वो बियरिंग के डिस्प्लेसमेंट के चलते लग रहा है। प्राइमरी फेसी ऐसा लग रहा है कि बियरिंग्स फेल हैं और बियरिंग को रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अभी भी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी हम इसको कंक्लूड करने के बाद ही इसके आगे बता पाएंगे। सर कितने दिन लगेंगे इसको चालू होने में? अब ये डिपेंड करता है कि डैमेजेज जो है किस डिग्री का है, कितने डिग्री का डैमेजेज है, कितनी बियरिंग हमें रिप्लेस करनी पड़ेंगी, कितनी बियरिंग रेक्टिफाई हो सकती है, उसके बाद फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे कि इस। जहां रात के अंधेरे में ही निरीक्षण करने पहुंच गए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उन्होंने जानकारी दी है कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाएगा, लेकिन 3 साल पहले ही इस ब्रिज का निर्माण हुआ है, सपोल का निर्माण हुआ है, लेकिन अब जब ये अचानक खराब होता नजर आ रहा है तो कई सवाल उठ रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से ये नया पुल जो सिर्फ 3 साल पुराना है क्षतिग्रस्त हो गया है, क्या कुछ जानकारी है किस वजह से या फिर किन कमियों की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या जानकारी है? जी, रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग स्थित मलिकमऊ चौराहे के पास 31 करोड़ की लागत से बना यह ओवर ब्रिज पुल 3 साल भी नहीं चल सका, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही इसका उद्घाटन किया था। और बात की जाए एनएचआई वालों की, तो उन्होंने बताया कि जो है रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर जो पुल बनाया गया है, जो उसमें लोहे के गाटर डाले गए हैं, उसकी वजह से फैलने से खिसक गया है पुल। जी, कब तक इसके ठीक होने की संभावना जताई जा रही है? हालांकि उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, उन्होंने कहा है पहले 1 हफ्ते जाएगा, जांच करके जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि कितना समय लगेगा इसको बनाने में, इसको ठीक करने में। जो पुल बनेगा वो जो है हटाया जाएगा, पहले उसको तोड़ के हटाया जाएगा, उसके बाद नक्शे से दोबारा बनाया जाएगा। जी, यानी रूट डाइवर्ट रहेगा इतने समय तक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय प्रताप सिंह जुड़े थे रायबरेली से। कानपुर के पास चौबेपुर रेलवे स्टेशन के पास आज बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां कानपुर फरुखाबाद रूट से मथुरा जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिससे 4 घंटे में 4 पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हो गई। राहत की खबर यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं सूचना पर मौके पर आरपीएफ पुलिस चौबेपुर थाना पुलिस पहुंच गई। फरीदाबाद के बडोली गांव में एक युवक इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, जिसके डेढ़ बीत जाने के बाद भी
बावजूद पीड़ित को न्याय नहीं मिला है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़िता ने अपने ही भाइयों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर उनके सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया है और जब उन्होंने अपनी जमीन मांगी तो भाइयों ने अपने बेटे और कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले पर BPTP थाना प्रभारी की माने तो पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पास और जांच पड़ताल की जा रही है। पुरानी रंजित थी, मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने बेच दी और मुझे हिस्सा ना दिया। मैंने जब हिस्सा मांगा तो इन्होंने मेरे साथ शुरू से ही मारपीट करी और शुरू से धमके देते रहे कि हम तुझे या तेरे परिवार को जान से मार डालेंगे। इसको कई बार दिए कई बार शिकायत दी है लेकिन पुलिस वाले ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी इनके खिलाफ। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके जाँच तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में अभी तक जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं, अभी उन पे गहराई से जांच की जा रही है। CCTV के कैमरा की फुटेज को खंगाला जा रहा है और उनकी कॉल डिटेल्स को अच्छे से देखा जा रहा है, जैसे ही कार्रवाई पुख्ता हो जाएगी। बदायूं जिलाधिकारी के निर्देश पर थाना फैजगंज बेहटा पुलिस ने कुख्यात आरोपी जॉन सिंह की करीब 22 लाख की संपत्ति जब्त कर ली। वहीं जब पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई तब पुलिस ने मुनादी करते हुए ग्रामीणों को बताया कि वो गांव के गैंगस्टर जॉन सिंह की संपत्ति जब्त करने आए हैं और वहां जब इस कार्रवाई की शुरुआत की गई तो उस समय घर पर जॉन सिंह की माँ और बहन मौजूद थी, जिसके बाद अधिकारियों ने उनसे घर को खाली कराया और बाद में सामान जब्त कर लिया, जिसके बाद गैंगस्टर के आरोपी के घर के बाहर एक नोटिस भी लगा दिया गया। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित गंगानगर प्रतीक ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर कई चोरों ने करीब 14 किलो चांदी और 400 ग्राम सोना पार करके मौके से फरार हो गए, जिसकी जानकारी लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जबकि घटनास्थल पर लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मणि कुमार वर्मा सहित सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रायबरेली के लालगंज फतेहपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि मौके से स्कॉर्पियो चालक स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को लालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद चार घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया है। खबर औरैया से है, जहां हाल ही में कुछ लड़के वेब सीरीज मिर्जापुर देखकर उन किरदारों को असल जिंदगी में जीना चाहते थे, उनकी इस चाहत ने उन्हें आज सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जहां वायरल वीडियो के आधार पर औरैया पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान दिया और कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान इन युवकों के पास से 2 अवैध पिस्टल और 22 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस वीडियो और इस घटना का संज्ञान लेते हुए हमने थाना कोतवाली पुलिस ने एक टीम गठित करी और टीम को लगाया गया इन लड़कों की पहचान के लिए और इनकी अरेस्टिंग के लिए। इसमें पहचान जो इनकी हुई है उसमें एक लड़के का नाम प्रांशु चौबे, एक का नाम रानू पांडे, एक का नाम माधव तोमर, विकास उर्फ मेजर और राजदीप रजावत, इन लड़कों की पहचान हुई है। इस पुलिस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सभी इन चीज़ों का भंडाफोड़ किया है और इसके लिए इस पुलिस टीम को मेरी तरफ से प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।